उदयपुर वाटी में बगावत के सुर। भाजपा नेता गोदारा ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। पहली लिस्ट के साथ ही भाजपा में बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। शुरुआत उदयपुर वाटी से हुई है। यहां भाजपा नेता डॉक्टर हरीश सिंह गोदारा ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। भाजपा ने यहां से मौजूदा विधायक शिवकरण चौधरी को मौका दिया है, जिसके बाद सोमवार को गोदारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे उदयपुर वाटी क्षेत्र के जातिवाद भ्रष्टाचार में अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनता निर्दलीय चुनाव लड़वाती है तो विचार किया जा सकता है। जल्द ही कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर एक दो दिन में निर्णय लेने की बात कही। वे किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और भाजपा पंचायत राज प्रकोष्ठ के पूर्व जिला सह संयोजक हैं। इस बारे में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा विधायक चौधरी ने कहा कि पार्टी का निर्णय अंतिम होता है। अगर मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं पूरी निष्ठा के साथ पार्टी प्रत्याशी के साथ प्रचार करता। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत ने कहा कि उदयपुर वाटी में भी टिकट सोच समझकर सर्वे के आधार पर दी गई है। पार्टी मिलकर काम करेगी। इसमें प्रश्नवाचक लगता है, जैसे किन के कारण से किस दबाव में किस परिस्थिति में, मैं तुम्हें बता देना, ये धनबल और बाहुबल के सामने झुक रहे हैं सारे। क्या हास्यास्पद स्थिति होगी मेरी पार्टी की? उदयपुर वाटी की जनता के लिए सोचने का बड़ा प्रश्न लगा है। उदयपुर वाटी की जनता ने इतना विरोध प्रदर्शन किया है, उनको जगह जगह से विरोध का सामना करना पड़ा है। लोग क्या ये उदयपुर वाटी की टिकट धनबल के हिसाब से आई है? ये मेरे पास ऐसी कोई सबूत नहीं है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, और कोई बात जो कर रहा हूँ मैं सबूत की बात कर रहा हूँ। इसका कारण क्या बन सकता है? इसके गांव गांव में विरोध हुआ है, गौरव यात्रा निकाले, काले झंडे दिखाए गए, धक्का मुक्की तक हुई है, और कम से कम कितनी जगह ये उनको धरना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी उत्पीड़न को लेकर के धरना दिया जाता है, ऐसे कोई धरना नहीं देता है। 11-11, 15-15 दिन तक धरना चला जाता है। गांव-गांव में वो अपनी उसका विरोध प्रदर्शित करते हुए गांव-गांव के अंदर अपनी एक बहुत बड़े साधन जुटा करके और बड़ी भारी संख्या के अंदर लोग गांव-गांव के अंदर वो गए हैं और उन्होंने हर तरह से अपना विरोध प्रदर्शित किया है। एक नहीं, कम से कम 20 पंचायतों में और तहसील मुख्यालय के ऊपर, उपखंड मुख्यालय के ऊपर विरोध प्रदर्शित किया है। हमारे पास ही धमोरा गांव के कार्यकर्ता, उनके साथ उन्होंने अपमान का कैसे निराकरण करें, ये नारे लगाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे लेकर हम विधायक के साथ नहीं, विधायक के साथ नहीं रहेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जबकि वो हमारी वो बोल रहे। आप ये और देखिए कितने हास्यास्पद बात है, कितना हास्यास्पद बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी झुंझुनू की सभा में आते हैं, वहां काले झंडे दिखाए जाते हैं और काले झंडे दिखाने का आरोप हमारे विधायक के ऊपर लगते हैं, इसे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है? और फिर उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बनाने के लिए टिकट दे दी जाती है। ये सब एक हास्यास्पद बात है, जो कि कन्हैयाराम रामदेव की पवित्र भूमि के अंदर इसको बर्दाश्त करने के बाहर की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं, पूरे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है। ये आक्रोश किस रूप में जाएगा ये समय बताएगा।